नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जाना। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का वर्णन कर पाएंगे तथा कार्य प्रकृति के अनुसार सही कंप्यूटर का चुनाव कर पाएंगे। कुछ वर्ष पूर्व तक कंप्यूटर उसके आकार के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आदि विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था, परंतु आकार के अनुसार ये वर्गीकरण आज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आकार में कई गुना छोटे होने पर भी आज के माइक्रो कंप्यूटर की कार्यक्षमता किसी पुराने मिनी कंप्यूटर एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर से कई गुना अधिक है। आज हम वर्तमान में प्रचलित कंप्यूटरों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से। डेस्कटॉप कंप्यूटर आमतौर पर घर, दुकान या ऑफिस में पाए जाते हैं। इन्हें रखने के लिए किसी मेज या डेस्क की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर आकार में बड़े एवं इनकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है तथा डेस्कटॉप कंप्यूटर से काफ़ी बड़ी सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी होती है। कंप्यूटर का दूसरा प्रकार है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर, जिन्हें नोटबुक भी कहा जाता है, बैटरी द्वारा संचालित होते हैं, जिसे बिजली द्वारा चार्ज किया जा सकता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में छोटे एवं हल्के होते हैं तथा इन्हें सफर में साथ ले जाया जा सकता है। इसके मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी आदि एक ही यूनिट में समाहित रहती हैं तथा ये अधिकतम 17 इंच चौड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ बहुत से व्यक्ति अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इनके माइक्रोप्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कार्य करने और संग्रहण करने की क्षमता अत्यंत अधिक एवं तीव्र होती है। इन पर कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे तथा पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं और इन्हें विश्वसनीय माना जाता है। मिनी कंप्यूटर शक्तिशाली होते हैं और इनमें एक समय में कई लोग कार्य कर सकते हैं। कीमत में यह माइक्रो कंप्यूटर से बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इनका व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल संभव नहीं है। पामटॉप। पामटॉप कंप्यूटर अर्थात हथेली के ऊपर रखा जा सकने वाला कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। पामटॉप कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। यह इनपुट के लिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें वैकल्पिक कीबोर्ड की व्यवस्था भी रहती है। आज के ज़माने में अधिकांश पामटॉप इंटरनेट, ऑडियो और वीडियो क्षमताओं से लैस हैं, इसलिए इन्हें म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर और मोबाइल फ़ोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। व्यापार में इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस मैनेजमेंट आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित मुख्य भाग हैं: CPU, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, UPS, स्पीकर आदि। सर्वर। सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन होती है जो किसी अन्य कंप्यूटर मशीन या सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट आने का इंतज़ार करती है और रिक्वेस्ट आने पर उस पर कार्रवाई कर रिक्वेस्ट करने वाले को उसके रिक्वेस्ट का जवाब देती है। एक सर्वर का उद्देश्य उसके यूजर्स के बीच डेटा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा करना है। सर्वर में बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है
तथा बड़ी मात्रा में डेटा पर प्रोसेसिंग करने हेतु इनकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है। कुछ सर्वर विशिष्ट कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, ईमेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, वेब सर्वर आदि। वेयरेबल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के सबसे नवीनतम प्रकार हैं जिनमें कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे ईमेल, म्यूजिक प्लेयर आदि को घड़ी या सेलफोन जैसे उपकरण में जोड़ दिया जाता है। वर्क स्टेशन, कुछ जगहों पर कंप्यूटर में बड़ी संख्या में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने तथा स्टोर करने के लिए ज़्यादा शक्तिशाली प्रोसेसर एवं बड़ी मेमोरी की आवश्यकता होती है। ऐसे समय वर्क स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। 3D डिजाइनिंग, 3D ग्राफिक्स, एडवर्टाइजिंग आदि के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ही सुपर कंप्यूटर उस कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है जो कि किसी भी समय में सभी अवेलेबल कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में सबसे तेज और पावरफुल होता है। इस सिस्टम को वहाँ पर काम में लिया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर और फास्ट प्रोसेसिंग के साथ रियल टाइम टास्क परफॉर्म करने होते हैं। स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटरों को साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जिनमें बहुत ज़्यादा डेटा और हाई लेवल कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती थी में इस्तेमाल किया जाता था। सुपर कंप्यूटर सामान्य रूप से एक ही सिस्टम में पैरेलल में काम करने वाले कई हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर होते हैं। अब तक की चर्चा में हमने जाना कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं तथा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सही कंप्यूटर कैसे चुनें। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।